राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से चल रहे पुस्तक पर्व में सोमवार को पुस्तक विमोचन समारोह हुआ। समारोह में वर्धमान महावीर कोटाखुला विश्वविद्यालय के कुलपति नरेश दाधीच और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी एमएम सालुंखे ने दो पुस्तकों का विमोचन किया। विमोचन के बाद कार्यक्रम के अतिथियों ने अमित शर्मा की पुस्तक स्वागत है नन्हे कदमों का और डॉक्टर के रत्तू की पुस्तक ब्रेकिंग न्यूज की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, ये पुस्तकें मौजूदा दौर में व्याप्त व्यवस्था में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने दो अलग अलग विधाओं पर पुस्तक लिखी है। एक पुस्तक तो जो रत्तू जी ने लिखी है वो तो ब्रेकिंग न्यूज़ पर है, तो उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी है और उनके जो लेख आज जो वैश्वीकरण के संदर्भ में जो पत्रकारिता है उसके बारे में उन्होंने लेख लिखे हैं बहुत सारे और उसको संकलित किया है। और अमित शर्मा जी ने जो थोड़े बहुत लेख अभी तक पत्रकारिता में आने के बाद लिखे हैं उसको संकलित किया है। सीधे सीधे मायनों में जो नए स्टूडेंट जर्नलिज्म में आ रहे हैं, चाहे ग्लैमर के लिए आ रहे हों या वास्तव में पत्रकारिता से प्रेरित होकर आ रहे हैं, उन्हें रोके रखने का एक प्रयास है कि वो आएं और आके किसी भी कारण से वापस ना लौट जाएं। उनमें यदि कैलिबर है तो वो उसे दिखाएं। ये ना हो कि जो शुरुआती संघर्ष हैं उससे घबराकर ये सोचकर कि किसी और फील्ड में अच्छा पैसा हो सकता है, अच्छा काम हो सकता है, वापस लौट जाएं। बस एक प्रयास है कि वो यहाँ किस तरह से डटे रहें और इस संघर्ष को, इस जिजीविषा को समझें, जानें, पहचानें।